SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक की जानिब से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपना वेट कम करें। हमारे पास स्किन एंड पिंपल्स के लिए भी कई ट्रीटमेंट्स है, तो देर किस बात की, SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक से अभी रابطہ करें। हमारा एड्रेस है बिसाइड अग्रवाल स्वीट हाउस लेन, जेएन रोड, एबिट्स, हैदराबाद। चेयरमैन AA3 तेलंगाना न्यूज, मोहम्मद आजम अली। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी आज अपनी रिहायशगाह पर डी अनन्या रेड्डी को मुबारकबाद देते हुए, जिन्होंने हालिया UPSC सिविल सर्विस इम्तिहानात के नतायज में ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल किया। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन CSE 2023 के तीसरे दर्जे की डी अनन्या रेड्डी, जिनका ताल्लुक तेलंगाना के बैकवर्ड महबूबनगर ज़िले से है, उन्होंने मंगल को कहा कि वो इंतज़ामिया को लोगों के करीब ले जाना चाहेंगी। मोहतरमा रेड्डी ने कहा कि वो बाविखार इम्तिहान में तीसरी पोजीशन हासिल करने पर इंतहाई खुशगुजार और खुश हैं, जिसके नतायज का ऐलान मंगल को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC ने किया था। इस नज़रिए से इख्तलाफ करते हुए कि सिविल सर्विस के इम्तिहान को पास करना मुश्किल है, उन्होंने कहा कि ताहम ये एक चैलेंजिंग इम्तिहान है और उसकी तैयारी के लिए स्ट्रेटेजी का होना बहुत ज़रूरी है। मोहतरमा रेड्डी ने कहा कि वो इम्तिहानात के लिए दिन में 6 से 8 घंटे स्टडी करती थी, लेकिन जब इम्तिहानात करीब आते थे तो स्टडी के औकात को बढ़ाकर 12 से 14 कर दिया था। सबसे अहम स्ट्रेटेजी का होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास सिलेबस को हिस्सों में तकसीम करने और इसे एक टाइम फ्रेम में मुकम्मल करने की स्ट्रेटेजी है, तो ये इम्तिहान को पास करना आसान हो जाता है।